अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉच बिफोर बाय। माय नेम इज अल्ताफ एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों बहुत जल्दी जो है दिसंबर खत्म होने वाला है और जनवरी आने वाली है, एंड साथ ही साथ जो है नए साल के साथ साथ जो है नई नई सेल भी आने वाली है। एंड फ्लिपकार्ट पे जो है मेजरली हमें तीन बड़ी सेल देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले तो जो है सबसे पहले नंबर पर आती है बिग बिलियन डे सेल, उसके बाद जो है दिवाली सेल आती है, और थर्ड नंबर पर जो आती है वो आती है रिपब्लिक डे सेल। अब रिपब्लिक डे सेल खास इसलिए है बिकॉज इसमें जो है जो भी लेटेस्ट आईफोन होता है, जैसे इस साल का जो लेटेस्ट आईफोन है वो आईफोन 15 है, तो इस साल फ्लिपकार्ट डे सेल में जो है मैं आईफोन 15 पे तगड़े डिस्काउंट देखने के लिए मिलेंगे, जिसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, आप लोग जरूर जाकर चेकआउट कर सकते हो। अभी जो जनवरी में रिपब्लिक डे सेल आने वाली है उसका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो तकरीबन जो है 15-16 जनवरी के आसपास है, 8-10 दिन ये सेल रहती है, लेकिन स्टार्टिंग में जो है प्लस मेंबर के लिए जैसी सेल लाइव होती है तभी अच्छे ऑफर आते हैं। अब यहाँ पे जो है दोस्तों काफी लोगों को जो है डिफरेंट आईफोन्स के प्राइसेस जाने थे, काफी लोग कमेंट्स भी आ रहे थे, तो आज जो है आपको ऑल आईफोन्स के प्राइसेस जो एक्सपेक्टेड प्राइसेस है वो आपको बताने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो है 2-3 साल से मैं जो है ट्रेंड ग्राफ्स वगैरह फॉलो कर रहा हूं, तो उससे एक एक्सपेक्टेड प्राइस का आइडिया मिल जाता है। तो आज सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों कौन कौन से आईफोन्स पर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, एंड वीडियो के एंड में जो आपको दो आईफोन्स ऐसे बताऊंगा जो 100% रिकमेंडेड होंगे अगर आप लोग बाय करने का सोच रहे हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईफोन 12 जो है दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेल पर जो है ज्यादा ह्यूज डिस्काउंट नहीं मिलेगा, डिसेंट टाइप के डिस्काउंट में देखने के लिए मिलता है, नियर अबाउट 37,000-38,000 के आसपास, ज्यादा आपको जो है हाईली डिस्काउंट नहीं देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें आईफोन 13 के बारे में तो 13 जो है Amazon पे आने का चांसेस है, Amazon पे जो है ग्रेट रिपब्लिक डे सेल के नाम से सेल आएगी, और ये जो है दोनों का डेट क्लैश होगा Flipkart और Amazon का, तो Amazon पे iPhone 13 का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है उस पे भी ज्यादा डिस्काउंट नहीं आएगा, अगर लिस्ट से लिस्ट कम से कम प्राइस भी जाता है तो नियर अबाउट 48,000-47,000 अगर कम से कम भी बहुत गया तो आफ्टर बैंकर डिस्काउंट। अब इसके बाद आ जाता है iPhone 14 का नंबर, iPhone 14 एंड 14 प्लस, तो 14 एंड 14 प्लस पे जो है पिछले 2-3 महीनों में जो अच्छा खासा डिस्काउंट आया, BBD सेल पे, फिर जो है दिवाली सेल पे भी डिस्काउंट चला था, तो ऑलमोस्ट सेम ही डिस्काउंट प्राइस चलने वाला है, तकरीबन जो iPhone 14 54,000-55,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड 14 प्लस जो है वही 62,000-63,000 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं उस iPhone का जिसको काफी लोगों डेस्परेट तरीके से जो है वेट कर रहे हैं, iPhone 15 एंड 15 प्लस, बिकॉज इसके अंदर जो है काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल अपडेट्स हैं, एज कंपेयर टू 13 14 आपको अपडेट नहीं देखने के लिए मिलेगा, बट एज कंपेयर टू 14 टू 15 बहुत सारे मेजर अपग्रेड्स हैं, डायनामिक आइलैंड आ चुका है, टाइप सी की चार्जिंग है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, और लुक्स वाइज भी जो है थोड़ा सा इन्हांसमेंट देखने के लिए मिलता है। तो अब बात करें मेन मुद्दे की अगर iPhone 15 एंड 15 प्लस का, तो यहां पे जो है 15 का प्राइस जो है आपको ऑलमोस्ट 65,000 के आसपास देखने के लिए मिलेगा, एंड 15 प्लस का जो है 70,000-73,000 के आसपास देखने के लिए मिलेगा आफ्टर बैंक का डिस्काउंट। अब बैंक का डिस्काउंट कौन कौन से आ सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे जो है मेजरली फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड ही आएगा, ठीक है, उस पे जो है आपको अच्छे खासे डिस्काउंट देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा ICICI आ सकता है, HDFC आ सकता है ऑन फ्लिपकार्ट। इसके अलावा अगर आप Amazon से iPhone 13 वगैरह बाय करने का सोच रहे हो तो आपको SBI के क्रेडिट कार्ड पे अच्छा ऑफर देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी बैंक कार्ड्स के लिंक्स हैं मैंने डायरेक्टली अप्लाई ना वो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग वहां से क्लिक करके तुरंत इस कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज अभी जो है 15-16 दिन बचे हैं तब तक आपका बैंक कार्ड भी आपके पास आ जाएगा, अगर आप लोग जो है कोई प्रोडक्ट विश लिस्ट कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट बाय करने का सोच रहे हो। अब जो दो आईफोन मैंने बताया था कि लास्ट में बताऊंगा वीडियो के एंड में जो 100% मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेंगे अगर आप लोग बाय करने का सोच रहे हो, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है भाई iPhone 13 का, बिकॉज iPhone 13 2024 के आपसे भी एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है, अभी उसी से रिकॉर्ड हो रहा है, मैं खुद जो है पिछले एक साल से ज्यादा हो चुका है मुझे यूज करते करते, एंड टू बी ऑनेस्ट काफी सही फोन है। अगर ये Amazon पे जो है आपको तकरीबन 47,000 तक के आसपास आ जाए तो डेफिनेटली ले लो भाई, अवॉइड आपको 14 करना है, बिकॉज 14 में टू बी ऑनेस्ट 13 एंड 14 में कोई मेजर फर्क नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, सो या तो 13 बाय करो अगर आपका बजट जो है टाइट है, थोड़ा सा 50,000 के अंदर है तो 13 बाय कर लो, बिकॉज 14 तो है जो है 55,000 के आसपास या उसके नीचे ज्यादा आने का चांस नहीं है, या फिर आप लोग जो है 13 अगर बाय नहीं कर रहे हो, आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, 60,000-65,000 तक खर्चा कर सकते हो, तब डेफिनेटली भाई आईफोन 15 रिकमेंडेड रहेगा, बिकॉज 3 महीने पहले का लॉन्च है, 80,000 पे लॉन्च हुआ था भाई, 3 महीने में डायरेक्टली 15,000 का अगर स्टेट डिस्काउंट मिल जाता है, 65,000 तक आ जाता है, सो डेफिनेटली भाई बाजी मार लो, बिकॉज जो है बहुत ही मेजर अपग्रेड्स मिलने वाले एज कंपेयर टू 14 टू 15, तो 14 आप लोग अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज काफी लोगों ने जो BBD वगैरह का टाइम बाय कर लिया है, तो अगर आपका बजट अंडर 50 है तो 13 पे जा सकते हो, अगर 65-70 तक खर्चा कर सकते हो तो डेफिनेटली आप iPhone 15 के साथ जा सकते हो दोस्तों। सो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आई होप ये वाली वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना, मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग कीप शेयरिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वापस।